और यार ये है चेनसेट रोलिन का, ये डलने वाला है अभी इसमें। वेलकम बैक टू माई YouTube चैनल। और वैसे आज के बारे में बताता हूँ कि आज मेरे दोस्त की जो 390 है, RC 390, उस पर हम चेनसेट और क्लच प्लेट लगवा रहे हैं, और शायद से ये सब काम हो तो शायद उसमें सर्विस भी होगी, तो सर्विस भी करवाएंगे। तो दिखाते हैं आपको कि पहले मैं आपको एक बार वहाँ जाके दोस्त मुझे मिलेगा जहाँ पे हमें करवाने का है वहाँ, तो वहाँ मेरे को एक बार दोस्त मिलेगा, वहाँ पे मैं आपको एक बार दिखा दूँगा पहले कि गाड़ी की हालत अभी कैसी है, अभी चलने में कैसी है गाड़ी, रफ चल रही है कैसे चल रही है, और फिर ये सब काम करवाने के बाद मैं आपको दिखाऊंगा कि वो गाड़ी कैसे चल रही है। तो मेरा दोस्त शायद पहुंचने वाला होगा वहाँ, मैं अभी चलता हूँ जल्दी। इसमें अभी फ्यूल भी कम है, पहले फ्यूल डलवाता हूँ उसके बाद चलते हैं, फिर दिखाता हूँ मैं आपको। पहले मैं आपको दिखा दूँगा कि क्या हालत है उसकी। तो यार पेट्रोल हमने डलवा लिया, अब चलते हैं सीधा, वहीं मिलता हूँ मैं आपको RC 390 के पास। तो यार मास्क राइडर पहुँच चुका है वहाँ शॉप में जहाँ काम होना था, तो अभी उन्होंने बोला कि अभी 15-20 मिनट लगेंगे, उसके बाद काम शुरू होगा इस बाइक में। तब तक मैंने सोचा कि मैं आपको दिखा देता हूँ कि क्या क्या हो रहा है, मतलब इसमें क्या दिक्कतें हो रही हैं। तो ऐसी तो वैसे कोई दिक्कत है नहीं खास कि कुछ काम कराना पड़े, पर बस ये है कि इसकी क्लच प्लेट हैं वो जब गियर चेंज कर रहे तो इंजन ब्रेकिंग करने में थोड़ी दिक्कत हो रही है, मतलब उन पर ज़्यादा लोड पड़ रहा है, क्योंकि गाड़ी चल चुकी है लगभग 26,000 किलोमीटर और अभी तक इसकी क्लच प्लेट चेंज नहीं हुई है। वैसे नॉर्मल 20-22,000 में करा देनी चाहिए, पर हम लोग क्या करते हैं कि जब ख़राबी हो जाती है तभी करवाते हैं। तो खैर आपकी मर्ज़ी है, आपको करवानी है तो आप करवा सकते हो, नहीं तो फिर जब आपकी ख़राब हो आप तभी कराओ। तो यही मेन दिक्कत हो रही है कि बस क्लच प्लेट में थोड़ा लग रहा है, और इंजन ऑयल साइड से देखने में भी कम लग रहा था, तो क्योंकि इसमें एग्जॉस्ट है, तो जिन बाइकों में एग्जॉस्ट होता है, ये मैं आपको बता दूं कि जिन बाइक में एग्जॉस्ट लगा होता है वो इंजन ऑयल थोड़ा नॉर्मल से थोड़ा जल्दी खाएंगी, क्योंकि एग्जॉस्ट है जो वो आपकी जब इतनी आवाज़ दे रहा है तो वो कुछ ना कुछ तो इंजन से भी लेगा, तो वो इंजन ऑयल थोड़ा जल्दी ख़त्म कर देता है। लगभग अगर आपका 5000 किलोमीटर वाला ऑयल है तो वो आपको 4000 या 4500 पे आपका इंजन ऑयल कम कर देगा। कम क्या मतलब, लगभग उसके बाद आपको डलाना पड़ेगा। तो इसमें एग्जॉस्ट है लगा हुआ, तो एकरा लगा हुआ है बाय द वे इसमें, और एग्जॉस्ट लगा हुआ तो उस वजह से इसमें इंजन ऑयल कम हो गया था। तो अभी इसका इंजन ऑयल भी चेंज होना है, और इसमें डलनी है क्लच प्लेट है, और चेन सेट भी इसका लगभग 23 में ख़त्म हो गया था, अभी तो मतलब चल ही रहा है फिर भी, पर अब है चेंज कराने की ज़रूरत, तो वो होने वाला है। तो चलो अभी तो आपने देख ही ली, अभी मैंने आपको बता ही दिया क्या क्या हो रहा है इसमें, अभी चलाने जब इसमें काम हो जाएगा सब तब बताऊंगा मैं आपको कि कैसी चल रही है ये और क्या क्या फ़र्क आया ये सब काम करवाने से। और ये लगी RC 390 पैडॉक में, और अभी होने वाला है बस इसमें काम स्टार्ट,
यार ये रही इसकी नई क्लच प्लेट जो अब डलनी है इसमें, और पुराने वाली भी दिखाता हूँ मैं तुम्हें एक बार। ये रही इसकी पुरानी वाली क्लच प्लेट, इनकी हालत देख लो, इनकी कितनी ख़राब हालत हो रखी है, पूरी जली चुकी है, क्योंकि गाड़ी तो 26,000 चली चुकी है, तो इतने में तो क्लच प्लेट घिसी जाती है। और ये प्लास्टिक प्लेट है, ये भी डलेगी अभी नहीं, क्योंकि इनकी भी हालत थोड़ी ख़राब है, और साथ साथ इसका चेन सेट भी चेंज हो रहा है। तो यार क्लच प्लेट और प्रेशर प्लेट डल चुके हैं इसमें, और अब इसमें डलेगा इंजन ऑयल जो कि है 10W50 7100। वैसे 20W50 भी डाल सकते हैं, पर 390 के लिए 10W50 सही होता है। और चलो इंजन ऑयल डलेगा अब, और चेन सेट भी आ गया, वैसे दिखा देता हूँ मैं। और यार ये है चेन सेट रोलेन का, ये डलने वाला है अभी इसमें, ये देख लो आप, ये डब्बा है, और ये रहा इसका पिछला स्प्रॉकेट और चेन और छोटा स्पॉकेट आगे वाले उस डब्बे में, चेन सेट भी लग रहा अब। यार ये रही इसकी नई चेन और आगे वाला स्पॉकेट, पीछे वाले तो देखो ये लगी गया, ये नई चेन है, इसमें पहले से ग्रीस लगा हुआ आता है, और ये नया स्प्रॉकेट है इसका, ये लगेगा अब यहाँ। अभी ये पहले जो पुराने वाला अगला स्प्रॉकेट था वो निकल रहा है अभी, फिर इसके बाद लगेगा नया वाला। तो यार काम को सब इसमें हो गया, इंजन ऑयल भी डल गया और चेन सेट डल चुका है, और क्लच प्लेट प्रेशर प्लेट भी हो ही गई, और बस यही काम होना था इसमें। अब चलते हैं इसे रेस्ट को, काफ़ी टाइम हो गया है सब लगते लगते, चलो अब चला के बताता हूँ कि कैसे चल रही है और क्या फ़र्क आया है इंजन ऑयल और क्लच प्लेट डलाने के बाद और चेन सेट। और अभी मैं आपको बता दूँगा कि कितनी कॉस्ट हुई इसकी, कितने कितने का लगा सामान। तो चलाने में यार जितनी भी प्रॉब्लम्स आ रही थी वो सब अभी इसमें सही हो चुकी है, और गियर शिफ्टिंग वगैरह भी एकदम स्मूथ हो रही है, क्योंकि अभी इसमें क्लच प्लेट और प्रेशर प्लेट डल चुकी है, और चेन सेट से जो आवाज़ आ रही थी वो भी अब हट गई है, क्योंकि चेन सेट भी डल गया है इसमें अब रोलेन का। तो कॉस्टिंग का यार मैं आपको इसका बता दूँ कि इसमें अराउंड 5000 या 5500 तक का खर्चा आया है, क्योंकि इसमें साथ में इंजन ऑयल भी डला और क्लच प्लेट्स और प्रेशर प्लेट और इसमें डला चेन सेट, तो इन सब का लगभग 5000 के आसपास खर्चा आएगा आपका, आप कराते हो इसका काम। तो गाइस आज की वीडियो में बस इतना ही, आपने देख लिया कि कैसे कैसे इसमें क्या का सामान डला, और आप कमेंट करके मुझे बता सकते हैं आपको किसी और गाड़ी पे चाहिए वीडियो, किसी और बाइक में या जिस तरीके की आपको चाहिए, तो मैं कोशिश करूँगा उस तरीके की ब्लॉग बनाने की। और जाते जाते वीडियो को लाइक शेयर कर देना और चैनल को कर देना सब्सक्राइब। तो मिलते हैं अब नेक्स्ट राइड में, तब तक के लिए पीस आउट।